हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारी हिस्ट्री क्लास 12th हिस्ट्री की दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आर सीयूटी एज वेल एज फॉर आर बोर्ड्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम विच ट्रेवलर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 15th सेंचुरी में वो कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जिसने विजयनगर एम्पायर के अंदर जो सिटीज है उनको बहुत ग्लोरीफाई डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो कौन है? मार्को पोलो, अलबरूनी, इबन बतूता या फिर अब्दुल रजाक समरकंदी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रजाक समरकंदी। अब यहाँ पर आपको इनकी डेट्स प्लस में ये किस कंट्री से आए हैं, कब आए हैं, दोनों चीजें याद रखनी होंगी। तो 15th सेंचुरी में आए हैं अब्दुल रजाक समरकंदी, और कहाँ से आए हैं? हैरात से आए हैं। और कहाँ आएंगे? कैलीकट, कोझीकोड, जो आज का कोझीकोड है उस टाइम पर जो कैलीकट था वहां पर। और कब? 15th सेंचुरी के अंदर। और इन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो सिटीज है उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। और इसी बुक के अंदर हम आगे चलकर जब विजयनगर एम्पायर का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये एक एक चीज के बारे में बताते हैं, जो वहां पर हमें कैनाल्स वगैरह देखने को मिलती है उसके बारे में बताते हैं, महानवमी डिब्बा, जो वहां पर हमें बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है उसके बारे में बताते हैं, और भी कई सारी चीजें। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको टाइमलाइन सारी याद करनी होगी, प्लस में कौन सा ट्रैवलर किस कंट्री से आया है वो भी याद करना होगा। यहाँ पर जो अलबरूनी है वो कब आए थे भारत? तो सबसे पहले हमें अलबरूनी ही देखने को मिलते हैं हमारे इस चैप्टर में, जो भारत आते हैं। कब आते हैं? 11th सेंचुरी में। तो ए का टू, ए का टू मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया। इबन बतूता कब आते हैं? इबन बतूता 14th सेंचुरी में आते हैं। तो बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। मार्को पोलो कब आते हैं? मार्को पोलो 13th सेंचुरी में आते हैं। एंड फ्रांसवा बर्नियर कब आते हैं? फ्रांसवा बर्नियर आते हैं 17th सेंचुरी में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अलबरूनी कहाँ से आते हैं? तो अलबरूनी का जो बर्थ है वो 973 में होता है, उज्बेकिस्तान की फरगना वैली में, ख्वारिज्म के पास में, ठीक है। कब आते हैं? 11th सेंचुरी में। इबन बतूता टेंजियर नाम की जगह जो कि मोरक्को के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है वहां से आते हैं। कब आते हैं? 14th सेंचुरी में आते हैं। सबसे पहले सिंध में आते हैं, 1332 से 1333 के बीच। कहाँ से होते हुए आते हैं? ये सीरिया, इराक वाले रीजन से होते हुए सिंध में आते हैं और फिर भारत पहुंचते हैं। फिर मार्को पोलो, मार्को पोलो चाइना भी गए हैं और ये इंडिया भी आए हैं। कब आए हैं? 13th सेंचुरी के अंदर। और कहाँ से? वेनिस से, जो कि रोम के पास में है। फ्रांसवा बर्नियर भी एक यूरोपियन ट्रैवलर है। कब आते हैं? ये 17th सेंचुरी में आते हैं, 1656 के अंदर भारत, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखने होंगे। उसके बाद नेम द ट्रैवलर हु रोट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद नाम की जो ये किताब है ये किस ट्रैवलर ने लिखी है? क्या इबन बतूता ने लिखी है, क्या अलबरूनी ने, फ्रांसवा बर्नियर ने या फिर अब्दुल रजाक समरकंदी ने? तो किताबुल हिंद ये इस चैप्टर के सेकंड पेज पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। जो हेडिंग है ना वो हेडिंग इस बुक के नाम से ही बनी हुई है। तो किताबुल हिंद को लिखने वाले ट्रैवलर का नाम है अलबरूनी। कहाँ से आए थे? ख्वारिज्म से। मैं आपको बार बार ये सेम फैक्ट बार बार बताऊंगी ताकि आपको इस वीडियो के अंदर ही सारी चीजें याद हो जाए। किताबुल हिंद लिखने वाले कौन है? अलबरूनी। कब आए भारत? 11th सेंचुरी के अंदर। कहाँ से? ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान से। इबन बतूता कब आए? 14th सेंचुरी के अंदर। कहाँ से? मोरक्को, टेंजियर से। फ्रांसवा बर्नियर यूरोप से। अब्दुल रजाक समरकंदी कब आते हैं भारत? 14th सेंचुरी में। कहाँ से? हेरात से, ठीक है। उसके बाद विच फॉरेन ट्रैवलर रोट किताबुल रेहला। पीछे पूछा था किताबुल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। अब पूछा किताबुल रेला की, तो किताबुल रेला को लिखने वाले कौन कौन है? अलबरूनी, इबन बतूता, मार्को पोलो या फिर फ्रांसवा बर्नियर? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, इबन बतूता। उसके बाद हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन अलबरूनी किताबुल हिंद। अलबरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? क्या 60 है, क्या 70 है, 80 या फिर 90? तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80। कितने चैप्टर है? 80। और इसमें जो खास बात ये है कि यहाँ पर इनके जो हमें ये बुक है इसके अंदर हमें ज्योमेट्रिकल प्रिसिशन, मैथमेटिकल एकदम अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और खास बात इस बुक की ये है कि अलबरूनी ने क्या किया है, वो किसी भी चैप्टर की शुरुआत में एक अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उस क्वेश्चन को ही उस पूरे चैप्टर के अंदर समझाएंगे और लास्ट में कंक्लूड भी करेंगे। तो ये उनका फॉर्मेट है जो कि 80 के 80 चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने ही 80 चैप्टर्स में, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो अल्केमी हो, चाहे वो वेट्स एंड मेजर्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हर चीज के बारे में बताया है। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अब आपको बताना है कि जो स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मेजरमेंट होती है, क्या उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, क्या उसे एपिग्राफी कहा जाता है, क्या उसे हेग्योग्राफी कहा जाता है या फिर उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो न्यूमिस्मेटिक्स तो हमें पता है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है,
एपिग्राफी तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस होती है, हेगियोग्राफी तो वो जीवनी होती है जो कि संतों के बारे में जो हम लिखते हैं वो क्या होती है, वो होती है हेगियोग्राफी। तो यहाँ पर जो साइंस ऑफ मेजरमेंट है वो होती है मेट्रोलॉजी। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर जो हिंदू वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, या फिर क्या है हिंदू वर्ड से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या एक ओल्ड पर्शियन वर्ड है, या फिर रीजन ईस्ट ऑफ इंडस सिंधु नदी के पूर्वी जो पूर्व में जो हिस्सा है क्या उसके लिए हिंदू वर्ड इस्तेमाल किया गया है, या फिर ये किसी तरह की लैंग्वेज है, या फिर अरेबिक जिसका ओरिजिन है वो अरेबिक लैंग्वेज से है। तो हिंदू जो है एक ओल्ड पर्शियन वर्ड है, तो ए का फर्स्ट ऑप्शन, ए का फर्स्ट। तो यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों ही एलिमिनेट हो गए और हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही हो जाता है। अब जो ये अल हिंद है, अल हिंद उस रीजन को कहा गया है जो इंडस रिवर के हमें ईस्ट में देखने को मिलता है, और ये अल हिंद वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो अरबी लोग होते हैं, वो हिंदावी जो है वो जो इस रीजन में ईस्ट ऑफ इंडस में इंडस के पूर्वी हिस्से में जो लोग रह रहे हैं ना, और वो लोग जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हिंदावी कहा गया है। और किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, अरेबिक के अंदर लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, किसने लिखी है, अलबरूनी ने। उसके बाद व्हेन इबन बतूता रीच्ड इंडिया हु वाज रूलिंग ओवर इंडिया, जब इबन बतूता 1332 से 1333 सिंध में पहुंचते हैं और फिर आगे जाकर जब वो भारत अंदर बिल्कुल सेंट्रल इंडिया के आसपास आते हैं तो वो किस रूलर का रूल देखते हैं इंडिया के अंदर, क्या वो फिरोज शाह तुगलक है, क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर औरंगजेब है। उसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको एक एसेंट्रिक रूलर भी कहा जाता है। अगला है मैच द फॉलोइंग, अब्दुल रजाक समरकंदी भारत कब आते हैं हेरात से, हमने पीछे भी देखा था। तो ये आते हैं 1440s में, तो ए का थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मोहम्मद वली बल्खी कब आते हैं भारत, 1620s के अंदर। तो बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो सी ऑप्शन है शेख अली हजन, वो कब आते हैं 1740s के अंदर आते हैं, और फ्रांसवा बर्नियर 17th सेंचुरी के अंदर आते हैं, ठीक है 1656 में। तो ये या आप याद रखिएगा। नेम द फ्रेंच ट्रेवलर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 times। अब आपको ये एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें जो जीसट रॉबर्ट ओ नोबिली, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, मानुकी और फ्रांसवा बर्नियर, इन सब की डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। वो आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि उससे 4 से 5 क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं। तो वैसे तो मैं वो वीडियो में लेके आई हूँ, तो आपको वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब इसमें पूछा है कि वो कौन सा फ्रेंच ट्रैवलर है जो 6 बार से भी ज्यादा भारत आ चुका है, क्या वो जीसट रॉबर्टो नोबिली है जो कि इटली से आए थे, क्या वो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, क्या वो द्वारते बारबोसा है, या फिर वो डॉक्टर मानुकी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। अब इसके साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना होगा कि जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ये फ्रांस से आए हैं और इन्होंने इंडिया को कंपेयर किया है ओटोमन एम्पायर के साथ, ये भी आप याद रखिए। जीसट रॉबर्टो नोबिली जो है वो इटली से आए हैं, उन्होंने क्या करा है यूरोपियन जो टेक्स्ट है उनका अपनी इंडिया के उसमें ट्रांसलेट किया है, ठीक है। उसका द्वारते बारबोसा कहाँ से आए हैं, पुर्तगाल से। और डॉक्टर मानुकी के बारे में जो आपको फैक्ट याद रखना है वो ये है कि डॉक्टर मानुकी जब यूरोप से इंडिया आए तो कभी ये वापस यूरोप गए ही नहीं। नेम द ट्रैवलर हु रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया, तो कौन है, क्या ये जीसट रॉबर्टो नोबिली है, क्या जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, क्या द्वारते बारबोसा है, या फिर डॉक्टर मानुकी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है द्वारते बारबोसा। द्वारते बारबोसा पुर्तगाल से आए थे और उन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया और टू बी मोर प्रिसाइज ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। दे वर बोर्न आउटसाइड द सिस्टम एंड वर ओपन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार्स। अब इसमें कहा है कि वो कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसको पूरा जो सिस्टम है या फिर जो वर्ण हायरार्की है उससे बाहर रखा गया है, पर वो लेबर देंगे किसको, पीजेंट्स और जमींदार को, पर बहुत कम मतलब पैसों में, इनएक्सपेंसिव है। तो क्या वो मलिच है, क्या वो अगरहाराज है, अगरहारा कोई कम्युनिटी नहीं है, अगरहारा उस लैंड को कहा जाता है जो ग्रांट की फॉर्म में ब्राह्मण्स को दिया जाता था, क्या वो अंत्याजा है, या फिर वो सूताज है। सूताज तो चैरिटियर है जिन्होंने ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत को कंपोज किया है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, अंतियाजाज। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता विच सिटी डिस्क्राइब्ड एज द लार्जेस्ट इन इंडिया विद हैविंग ग्रेट पॉपुलेशन, इब्न बतूता ने कौन सी ऐसी सिटी है जिसको लार्जेस्ट बताया है और बताया है कि उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो उस टाइम की इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो क्या वो दौलताबाद है, क्या वो दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली है, या फिर वो लाहौर है, या फिर वो तुगलकाबाद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के बाद जो दूसरी सिटी इब्न बतूता ने बताई है सबसे बड़ी वो है दौलताबाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है
इब्न बतूता अपनी किताबुल रहला में इंडिया के अंदर पोस्टल कम्युनिकेशन किस तरह चल रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह हर 4 माइल के अंदर हमें हॉर्सी 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 स्टेशन देखने को मिलते हैं और किस तरह 1 माइल के अंदर हमें 3 स्टेशन देखने को मिलते हैं अगर हम पैदल फुट उनकी बात करें, जो मतलब पैदल चल के जो कम्युनिकेशन है वो या फिर किसी तरह का कोई मैसेज है वो एक से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कहा है पहली स्टेटमेंट के अंदर कि जो हॉर्स पोस्ट होती है ना, जो हमें 4 माइल पे एक हॉर्स देखने को मिल रहा है उसको लुक कहा जाता है, या फिर जो फुट पोस्ट होती है जो हमें 3 स्टेशन देखने को मिलती है 1 माइल के अंदर, क्या उसे दवा कहा गया है? तो ये बिल्कुल सही है, हॉर्स पोस्ट को उल्लूक कहा गया है। किसने कहा? इब्न बतूता ने। फुट पोस्ट को दवा कहा गया है। यहाँ पर जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो सही हो जाती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और एक उसी बुक्स के अंदर जहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है आपको एक चीज और देखने को मिलेगी लास्ट की 2 लाइंस में, कि वहां पर बताया कि जो खुरासान रीजन है ना, आज का इराक, ईरान और कुछ सीरिया वाला रीजन, वहां के जो फ्रूट्स वगैरह ना वो इंडिया में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो वहां से फ्रूट वगैरह कैसे आते थे? फूड पोस्ट के थ्रू, मतलब दवा के थ्रू। उसके बाद नेम द डच ट्रैवलर हु विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स ऑफ 17th सेंचुरी एंड लाइक बर्नियर वो शॉक्ड टू सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। वो कौन सा ऐसा डच ट्रैवलर है जो 17 सेंचुरी में भारत आता है और बर्नियर की तरह शोक में रह जाता है भारत में गरीबी को देखकर? तो क्या वो मार्को पोलो है? मार्को पोलो तो 13 सेंचुरी में आते हैं ना, और हमसे पूछा 17 सेंचुरी में। और दूसरी बात, मार्को पोलो तो इटालियन ट्रैवलर है, वो डच थोड़ी है। अगला क्वेश्चन, दुआर्ते बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा तो पुर्तगाली ट्रैवलर है और ये 17 सेंचुरी में नहीं आते। डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस भी नहीं, 17 सेंचुरी में नहीं आते। दुआर्ते बारबोसा जब आते हैं उसके जस्ट थोड़े दिन बाद या फिर थोड़े साल बाद ही डोमिंगो पायस आते हैं। तो क्या वो पलसाट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। डोमिंगो पायस जो यहाँ पर जो ये नए ट्रैवलर है ना, इसके बारे में विजयनगर एम्पायर के अंदर भी पढ़ेंगे, पर आपको मैं एक पॉइंट यही बताना चाहूंगी कि डोमिंगो पायस जो ट्रैवलर है ना, उन्होंने विजयनगर के अंदर जो हम्पी है उसको कंपेयर किया है रोम के साथ, ये आप याद रख सकते हैं। Who wrote Travels in the Mughal Empire? अब ये बुक है, इसको कंपोज किसने किया है Travels in the Mughal Empire? क्या वो मार्को पोलो है, क्या वो दुआर्ते बारबोसा है, क्या वो फ्रांसवा बर्नियर है, या फिर वो इब्न बतूता है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसवा बर्नियर। दरअसल फ्रांसवा बर्नियर जो कि 17 सेंचुरी के अंदर इंडिया में आते हैं, वो ऐसे ट्रैवलर है जो इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज केम टू इंडिया। उनको लगता है कि अगर मुगल एम्पायर के अंदर मुझे किसी तरह का असाइलम मिल गया तो मुझे किसी तरह की जॉब भी मिल जाएगी। तो जब वो मुगल कोर्ट के अंदर रहते हैं उसी बीच वो मुगल एम्पायर के अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं वो सारी चीजें कंपोज करते हैं इस बुक के अंदर, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म और जो एक इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपको याद रखने होंगे, बिल्कुल याद रखने होंगे। शोर शोर है कि उन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर आएगा। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, किस फिलोसोफर, पहले तो आप इसका आंसर दीजिए कि किस फिलोसोफर ने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है? क्या वो मोंटेस्क्यू है, क्या वो कार्ल मार्क्स है, क्या वो प्लेटो है, या फिर वो रोस्यू है? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मोंटेस्क्यू। इसमें बताया है कि एशिया के अंदर कैसा सिस्टम है, रूलिंग अथॉरिटी कैसे है। इसने कहा है मोंटेस्क्यू ने कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी देखने को मिलती है हमें एशिया, और टू बी मोर प्रिसाइज इंडिया के अंदर जो रूलर है वही सब कुछ है, जो उसके अंडर जो पीपल है उसकी उस उन जो उसकी प्रजा है उसको उस पूरी प्रजा को उस एब्सोल्यूट रूलर की ही बात माननी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा गया है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, और ये किसने दिया है? मोंटेस्क्यू ने। और ये मोंटेस्क्यू ने जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया है ना वो कैसे दिया? फ्रांसवा बर्नियर जो 17 सेंचुरी में आते हैं और अपनी बुक लिखते हैं ना ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसको पढ़ के मोंटेस्क्यू ने उससे हेल्प लेके ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी आप याद रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय हूम? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? क्या मोंटेस्क्यू ने दिया है, क्या कार्ल मार्क्स ने दिया, प्लेटो, या फिर रोस्यू ने? जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आखिरकार एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, स्टोरी का मतलब क्या है। हम एक लाइन में पढ़ के तो निकल जाते हैं पर हमें स्टोरी का मतलब ही नहीं पता होता कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रहा है। अगर कार्ल मार्क्स ने दिया है तो कुछ तो अलग होगा। तो ये जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कहा है कार्ल मार्क्स ने कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर स्टैग्नेंट है सब कुछ, उसके अंदर हमें किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलता। चेंज तब होगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस करा, जब उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस करा तो जब लोग सोशली एक दूसरे से मिलने लगे रेलवे का इंट्रोडक्शन होने के बाद, तब वहां पर चेंज हुआ है, अपने आप वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसने कहा है कार्ल मार्क्स ने कि जो इंडियन सोसाइटी है वो स्टेगनेंट है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इन 4 ऑप्शंस में से। इन वेस्टर्न इंडिया द मर्चेंट्स वर नोन एज महाजन्स, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल सही है। वेस्टर्न इंडिया गुजरात वाले रीजन में मर्चेंट्स को महाजन्स कहा जाता है।
ऑप्शन बी द चीफ ऑफ मर्चेंट्स वर नोन एज शेठ, और इन महाजन का जो चीफ होगा उसको शेठ कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इन अर्बन सेंटर्स द महाजन्स वर कलेक्टिवली कॉल्ड नगर शेठ, और अर्बन सेंटर फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद। अब इनमें जब महाजन को अगर हम कलेक्टिवली देखें और उनमें कलेक्टिवली देखें मर्चेंट्स को या फिर उन महाजन्स को, तो उसको नगर शेठ कहा गया है क्योंकि हम अर्बन सेंटर की बात कर रहे हैं। तो अर्बन सेंटर में अगर कोई महाजन है तो उसे महाजन ना कह के नगर शेठ कहा जाएगा। यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। असर्शन रीजन, असर्शन, फ्रांसवा बर्नियर डिफाइन मुगल सिटीज एज कैंप टाउन्स, बिल्कुल सही है। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में कहा है कि जो मुगल सिटीज है वो कैंप टाउन है। अब रीजन क्या दिया है, दीज टाउन्स आउ देयर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल ऑन इम्पीरियल कैंप, मतलब उसमें किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती कैंप टाउन के अंदर जब तक वहां का रूलर ना चाहे। यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, मार्को पोलो कहाँ से आए थे 13th सेंचुरी में, मैंने पीछे बताया था। तो मार्को पोलो वेनिस से आए थे, और वेनिस कहाँ है, इटली के अंदर। सो ए का फोर, ऑप्शन ए का फोर मतलब ऑप्शन नंबर जो टू है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अल बरूनी कहाँ से आते हैं, ख्वारिज्म जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर है वहां से आते हैं। इबन बतूता मोरक्को टेंजियर से आते हैं, कब आते हैं 14th सेंचुरी में। अलबरूनी 11th सेंचुरी में। दुआर्ते बारबोसा कहाँ से आते हैं, पुर्तगाल से आते हैं। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेम द ट्रेवलर हु गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन छत्ती सिस्टम इन इंडिया। इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट सेकंड पेज पे अगर आप कॉर्नर में वो बॉक्स पढ़ेंगे द चाइल्ड सती, वहां पर एक स्टोरी दी गई है कि किस तरह 13-year-old गर्ल को उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उस फनरल पायर पर बिठाकर जिंदा जला दिया जाता है। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, तो उस ट्रैवलर का नाम है, आप बताइए। तो उस ट्रैवलर का नाम है फ्रांसवा बर्नियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, और ये जो बदायूं दरवाजा है इसकी क्या खास बात है, तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये जो ये जितने भी दरवाजे हैं तुगलकाबाद के दरवाजे हैं, इनका डिस्क्रिप्शन हमें इबन बतूता देता है, तो वो आपको बुक सारा पढ़ना होगा। तो बदायूं दरवाजा क्या है, बदायूं दरवाजा किस लिए जाना जाता है, तो बदायूं दरवाजा ग्रेटेस्ट दरवाजा है। तो ए का बी ऑप्शन, ए का बी ऑप्शन। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया। गुल दरवाजा, गुल दरवाजे के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं कि गुल दरवाजे के आसपास कई सारी सिमेट्रीज हैं, बरियल्स हैं, और वहां पर और कार्ड है, बगीचे हैं। तो बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो मांडवी दरवाजा है वो ग्रेन मार्केट के लिए जाना जाता है। और ताराबाबाद एक ऐसा प्लेस है जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों सिंगर्स आते हैं और सिंगिंग करते हैं, ठीक है, उसी। और ताराबाबाद के बाद तो हमारा जो ऑप्शन थ्री है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर सुन लीजिए कि ऐसे ही जैसे ताराबाबाद कौन सी जगह है, वो एरिया जहाँ पर मेल एंड फीमेल सिंगर्स आके गाना गाते हैं, वैसे ही क्यूपोला नाम की एक जगह है जहां पर बीच में मार्केट के बीचों बीच एक स्विंग लगा होगा, झूला लगा होगा, जहां पर लेडीज आगे झूला झूलेंगी, और उस जगह को क्या कहा गया है, क्यूपोला, वो भी आप याद रखिएगा। नेम द ट्रैवलर हु डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पोल्यूशन एंड रिमार्क दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीडेड इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। सीधी सी बात है, इसमें पूछा है कि ये जो नोशन ऑफ पोल्यूशन है ये किसने दिया है, दिया नहीं मतलब किसने इसको डिसअप्रूव किया है कि कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने अपना जो रिमार्क है वो ये दे के कहा है कि कोई भी चीज है वो अपवित्र नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई चीज पोल्यूटेड हो गई है तो वो कम्प्लीटली लगातार वो उस कोशिश में रहेगी कि वो बिल्कुल प्योर हो जाए। आपको समझ में आ रही है ना बात, कि नोशन ऑफ पोल्यूशन को किसने डिसअप्रूव किया है, किस ट्रैवलर ने, क्या वो इबन बतूता है, क्या वो अलबरूनी है, क्या वो अब्दुल रजाक है, फिर मनु किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। नेम द ट्रैवलर हु ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि'स वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। तो वो कौन है, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अलबरूनी है उनको कई सारी लैंग्वेजेस आती है, उनको संस्कृत आती है, उनको हिब्रू आती है, उनको सीरियन आती है, उनको पर्शियन आती है, उनको ग्रीस आती तो नहीं है पर उनको समझ में थोड़ी बहुत आ जाती है। तो वो कौन से ट्रैवलर है, तो वो है अलबरूनी। और उन अलबरूनी ने क्या करा है, जो पतंजलि वगैरह के द्वारा किए गए काम है ना, जो ब्राह्मण्स ने संस्कृत में किया उनको अरेबिक में ट्रांसलेट करा है, वैसे यूक्लिड वगैरह जो मैथ्स वगैरह में काम किए उनको फिर संस्कृत में ट्रांसलेट किया है। तो वो कौन है, अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेम द ट्रैवलर हु फाउंड पान एंड कोकोनट एज पिक्यूलियर, मतलब स्ट्रेंज थिंग्स इन इंडिया। कोकोनट और पान उनको अजीब लगा है, और कोकोनट का तो उन्होंने कंपेरिजन किया है मैन की हेड से। तो वो कौन है, क्या वो इबन बतूता है, क्या वो डोमिंगो पायस है, क्या वो अफ़ानसिस से निकितिन है, क्या वो सैयद अली रईस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इबन बतूता। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर्स पॉइंटेड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द वर्किंग ऑफ इंपीरियल कारखानाज, इंपीरियल कारखानाज के बारे में कौन डिस्क्रिप्शन देता है, क्या इबन बतूता देते हैं, क्या अलबरूनी देते हैं, क्या फ्रांसवा बर्नियर देते हैं, या फिर दुआर्ते बारबोसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
यहाँ पर फ्रांसवा बर्नियर बताते हैं कि किस तरह मुगल कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हर कम्युनिटी के लोग आकर अपना काम करते हैं और पूरा दिन वहां पर जो है काम चलता रहता है। वहां पर आर्टिसंस आते हैं, वहां पे गोल्ड स्मिथ आते हैं, वहां पे कोबलर्स आते हैं और भी कई तरह की कम्युनिटीज आती है और साथ मिलकर पूरा दिन काम करते हैं। उन जगहों को कहा गया कारखाना, क्योंकि वो इकोनॉमिक हब है। तो कौन बताते हैं उनके बारे में? फ्रांसवा बर्नियर। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, व्हाट वाज अ पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वेर इन हॉर्सेस वर स्टेशन एट एवरी 4 माइल्स। ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं कि जब हर 4 माइल पे एक हॉर्स को स्टेशन किया गया है तो उसको क्या कहा गया है? क्या उसे दवा कहा गया है, क्या उसे डोला कहा गया है, क्या उसे उलुक कहा गया है, या फिर गुल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलुक। दवा तो फुट पोस्ट को कहा गया है जो हर माइल पे 3 स्टेशन देखने को मिलती है। मैच द फॉलोइंग, अफांचे से निकितिन किस कंट्री से आए हैं? तो अफांचे से निकितिन आए हैं रशिया से। ए का सेकंड ऑप्शन, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आए हैं। सैयद अली रईस कहाँ से आए? टर्की से आए हैं। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल से आए हैं। ये आपको याद रखने होंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, अब इन चारों में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। बर्नियर कंसिडर्ड इंडियन किंग एज किंग ऑफ बैगर्स। बिल्कुल सही है। हमने देखा ना पीछे कि एक कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखिए, जो फ्रांसवा बर्नियर है ना, ये 17वीं सेंचुरी में यूरोप से इंडिया आता है। और इसका जो पूरा जो मेन इसके दिमाग में है ना, वो ये एक चीज है कि इंडिया और यूरोप की जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स में दिखाएगा। अगर यूरोप में कुछ चीज बहुत अच्छी चल रही है तो इंडिया के अंदर वो बिल्कुल डिग्रेडेड है। इसने इंडिया और यूरोप का कंपैरिजन किया है, जिसमें इसने इंडिया को बिल्कुल ही डिटीरियोरेटेड कंडीशन में दिखाया है। तो बर्नियर ने कहा है कि जो जितने भी मुगल रूलर्स हैं ये किंग ऑफ बैगर्स है, गरीबों की सरकार। इसने कहा है बर्नियर ने। बी ऑप्शन, देयर इज नो मिडिल क्लास इन इंडियन सोसाइटी। इसने कहा है कि इंडिया के अंदर अगर कोई अमीर है तो वो बिल्कुल ही अमीर है, और कोई गरीब है तो वो बिल्कुल ही गरीब है। जो मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट है वो हमें इंडिया में नहीं देखने को मिलता। तो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। सी ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू बर्नियर क्राउन ओनरशिप वॉज गुड फॉर पीजेंट्स। नहीं, इसने कहा है बर्नियर ने कि इंडिया के अंदर जो लैंड ओनरशिप का सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है, क्योंकि उसने कहा है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट ओनरशिप का जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जितनी भी जमीन है वो सारी मुगल रूलर के अंडर में है। और एक बात बताइए, अगर सारी जमीन मुगल रूलर के अंडर में है और मान लीजिए मैं उसकी प्रजा हूँ, तो उसने मुझे कोई जमीन, कुछ जमीन का पोर्शन दे दिया कि भाई तू इस पे अपना काम कर ले, तो मैं उस जमीन पर कभी भी ढंग से तो काम करूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में एट द एंड ऑफ द डे तो एक ही बात रहेगी कि एक ना एक दिन तो ये जमीन मेरे हाथ से जाएगी, क्योंकि ये जमीन तो रूलर की है। तो इस चक्कर में मैं कभी उस जमीन पर ढंग से काम ही नहीं करूंगी। तो इसने कहा है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये फ्रांसवा बर्नियर का आर्ग्यूमेंट है, जिसने कहा है कि जो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में होना चाहिए, पर हमें प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट देखने को ही नहीं मिलता। और ये जो क्राउन ओनरशिप है ना, ये बैड है पीजेंट्स के लिए, ना कि गुड। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। अब डी, बर्नियर गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन लैंड ओनरशिप। बिल्कुल सही है। सो ए बी डी जो है वहां पर हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट वर द बैरियर्स दैट अल बरूनी फेसेस इन इंडिया। अल बरूनी को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब वो भारत में होता है? ऑप्शन ए, संस्कृत लैंग्वेज वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। बिल्कुल सही है, उसको ये मुसीबत झेलनी पड़ती है। ऑप्शन बी, द सेल्फ अब्सॉर्प्शन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलैरिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ये भी सही है। ऑप्शन सी, अल बरूनी एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण्स। हाँ, क्योंकि अलबरूनी के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। जिस टाइम पे अलबरूनी अपनी किताबों हिंद लिखता है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसे ब्राह्मण्स की कंपोजिशन देखने को मिलते हैं, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो धर्म शास्त्राज हो, या फिर वो पतंजलि के द्वारा किए गए काम हो। उसके अलावा उसे कोई भी टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता। डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ये भी उसको देखने को मिलता है कि भारत के अंदर हर थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बदल रहे हैं। तो ये सारी मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ता है। सो ऑप्शन ई जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। इस्लामिक जो लॉ है इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इस्लामिक लॉ को क्या कहा जाता है? क्या इज्मा कहा जाता है, क्या हदीस कहा जाता है, क्या कियास कहा जाता है, या फिर शरिया? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। और ये इज्मा, हदीस और कियास, ये जो तीनों है, ये तीनों सबसेट है शरिया के। शरिया के ये तीनों पार्ट है, इन तीनों को मिलकर ही शरिया बनता है। ठीक है, उसके बाद असर्शन, अल बरूनी वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। हमने पीछे भी देखा था, बिल्कुल सही है। रीजन, ही न्यू सीरियाई, अरेबियन, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। रीजन भी सही है, एंड रीजन बता रहा है कि उसको किस तरह कितनी तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर वॉज अपॉइंटेड एज काजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। वो कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसको काजी की पोस्ट या फिर जज की पोस्ट पे अपॉइंट करता है मोहम्मद बिन तुगलक? क्या वो अलबरूनी है, क्या वो इब्न बतूता है, क्या वो शेख अली हजन है, या फिर मोहम्मद वली बल्खी? द फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है इब्न बतूता। नेम द इंडियन ट्रैवलर या फिर ट्रैवलर्स हु विजिटेड यूरोप इन द 18वीं सेंचुरी। उन भारतीय ट्रैवलर्स का नाम बताइए जिन्होंने 18वीं सेंचुरी में यूरोप को विजिट किया था।
शेख इच्छेमुद्दीन, ऑप्शन बी मिर्जा अबू तालिब, ऑप्शन सी मोहम्मद वली बल्खी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। पहली बात तो जो यहाँ पर महमूद वली बल्खी है ना, वो इंडिया के तो है ही नहीं, वो बल्ख पर्शियन रीजन से भारत आए थे। तो इसने पूछा है कि भारतीय ट्रैवलर जो यूरोप गए 18th सेंचुरी में, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। द फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू विच ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर जितनी भी राइटिंग्स या फिर जितने भी अकाउंट इंडिया के बारे में लिखता है, वो किस किस अपने किस फ्रेंच किंग को डेडिकेट करता है? क्या वो प्रिंस चार्ल्स है, क्या वो लुईस 15 है, लुईस 14 है, या फिर फिलिप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुईस 14। नेम द ट्रैवलर हु व्हेन रीच्ड कैलिकट डिस्क्राइब इंडिया एज अ स्ट्रेंज नेशन। वो कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जब वो कैलिकट या फिर जो आज का कोझीकोड है वहां पहुंचने के बाद भारत को स्ट्रेंज नेशन बताता है? अब दरअसल वो स्ट्रेंज बताता क्यों है, वो जैसे ही कैलिकट पहुंचता है तो वहां पर वो बहुत ज्यादा क्राउड देखता है और वहां के वो जो लोग होते हैं वो उसको बहुत अजीब लगते हैं, तो वो उसको देख के अपना एक स्टेटमेंट देता है कि जो भारत है वो तो बड़ा ही स्ट्रेंज है। तो वो कौन सा ट्रैवलर है? क्या वो शेख अली हजनी है, मोहम्मद वली बल्खी है, या फिर अब्दुल रजाक समरकंदी है, या फिर अलबरूनी है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रजाक समरकंदी। वो उस टाइम पर तो कह देता है कि भारत जो है वो स्ट्रेंज है, पर आगे चलकर जब वो विजयनगर एम्पायर की सिटीज और टेम्पल्स को देखता है तो वो दूसरी तरफ उनको ग्लोरीफाई भी करके बताता है। नेम द ट्रैवलर हु सेड दैट दिस कॉन्टिनेंट इज फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। द फैक्चुअल क्वेश्चन है कि वो कौन सा ट्रैवलर है जो कहता है कि भारत जो है या फिर भारतीय जो महाद्वीप है वो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इबन बतूता। आफ्टर हाउ मेनी ईयर स्पेंडिंग इन इंडिया इबन बतूता रिटर्न टू हिज होम इन अफ्रीका। भारत में कितने साल रहने के बाद वो अफ्रीका वापस गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30। नेम द ट्रैवलर हुज अकाउंट वाज कंपेयर विद दैट ऑफ मार्को पोलो। वो कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसके अकाउंट कंपेयर किए जाते हैं मार्को पोलो के साथ? अब ये मार्को पोलो कौन है? मार्को पोलो वो फॉरेन ट्रैवलर है जो वेनिस इटली से आते हैं 13th सेंचुरी के अंदर, ये चाइना भी जाते हैं और ये भारत भी आते हैं। तो मार्को पोलो के साथ किस फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट्स कंपेयर किए जाते हैं? क्या वो अलबरूनी है, इबन बतूता है, क्या वो इबन जुजे है, या फिर अब्दुल रजाक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इबन बतूता। व्हेन वाज द मोरक्कन ट्रैवलर हेड सेट ऑफ फॉर इंडिया। अब यहाँ पर पूछा है कि मोरक्कन ट्रैवलर कौन है, हमें पता है इबन बतूता, तो इबन बतूता भारत के लिए कब निकलते हैं मोरक्को से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1332 to 1333 AD। हाउ मेनी गेट्स वर देयर इन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी दैट वॉज डेली। अब इबन बतूता अपने डिस्क्रिप्शन में जो दिल्ली है उसको मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम बताते हैं, पर वो गेट का भी तो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि तुगलकाबाद में किस तरह बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा है, गुल दरवाजा ऑर्किड्स के लिए फेमस है, मांडवी दरवाजा ग्रेन मार्केट्स के लिए फेमस है। तो टोटल कितने गेट्स बताते हैं वो? तो टोटल बताते हैं 28। ऑप्शन सी जो है वहां पर करेक्ट हो जाता है। नेम द ट्रैवलर हु वाज फैमिलियर विद ट्रांसलेशन एंड एडप्टेशन ऑफ संस्कृत पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इन टू अरेबिक। ये क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। इतनी सारी लैंग्वेजेस है, कौन सा ट्रैवलर होगा? क्या वो इबन बतूता, क्या वो है अब्दुल रजाक, क्या अलबरूनी, या फिर पीटर मुंडी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। असर्शन, इबन बतूता कंसीडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रैवल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक बात है, इबन बतूता जो है वो ड्रिवन बाय एडवेंचर, जैसे हर ट्रैवलर का एक ना एक मोटिव होता है कि उसको किसी जगह पर जाना है तो क्यों जाना है, वैसे ही इबन बतूता जो है वो ट्रैवलिंग करना उनको पसंद था क्योंकि वो एडवेंचरर लवर थे। तो वो भारत आते हैं और वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग से हम जितनी नॉलेज ले सकते हैं ना उतनी हमें बुक से भी नहीं मिलेगी। तो इबन बतूता कंसीडर्ड एक्सपीरियंस्ड गेन थ्रू ट्रैवल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, रीजन थ्रू ट्रैवलिंग कैन अटेन मोर नॉलेज देन द बुक्स, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेम द पर्सन हु वाज डिप्यूटेड टू राइट व्हाट इबन बतूता वाज डिक्टेटिंग। जब इबन बतूता भारत में रहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के अंदर, तो मोहम्मद बिन तुगलक एक इंसान को अपॉइंट करते हैं कि जो जो बातें इबन बतूता बोलेगा वो तुम्हें लिखनी होगी। तो वो कौन है? क्या वो अबू तालिब है, क्या वो शेख इच्छामुद्दीन है? हमने देखा ना कि अबू तालिब और शेख इच्छामुद्दीन तो वो दो इंडियंस हैं जो यूरोप विजिट करेंगे 18th सेंचुरी में, तो वो इबन खुरमान है या फिर वो इबन जुजे है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है महमूद वली बल्कि ऑल्सो बिकम अ सोर्ट ऑफ सन्यासी फॉर अ टाइम। महमूद वली बल्कि 17th सेंचुरी में बल्ख पर्शियन रीजन से भारत आते हैं और ये भारत में रहते हुए सन्यासी भी बनते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। शेख अली हजनी जो कि 18th सेंचुरी में भारत आते हैं डिसअपॉइंटेड एंड इवन डिसगस्टेड विद इंडिया व्हेन ही डिडंट गेट रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। जब ये भारत आते हैं तो इनको लगता है कि मुझे रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा, पर इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, तो ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी सही है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेम द ट्रैवलर हु सेड दैट नथिंग बीइंग कंसीडर्ड सो रिफ्रेशिंग इन दिस कंट्री एज लेमोनेड एंड दही। वो कौन से ट्रैवलर है जो कहते हैं कि लेमोनेड मतलब नींबू पानी और दही से बढ़िया इस देश में कुछ भी नहीं है, इतना बढ़िया जितना लेमोनेड और दही है? वो द्वारते बारबोसा है, क्या वो जीसट रॉबर्टो नोबेली है, क्या जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, या फिर फ्रांसवा बर्नियर?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसवा बर्नियर। ये आंसर देख लीजिए। उसके बाद नेम द ट्रेवलर हु गेव कास्ट एंड वर्ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय कंपेयरिंग इट विद पर्शिया। वो कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रेवलर है जो कास्ट, इंडियन कास्ट मतलब इंडियन इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है या फिर जो वर्ना सोसाइटी है उसका डिस्क्रिप्शन देता है, वो कौन है? क्या वो इब्न बतूता, अलबरूनी, अबू तालिब या फिर नन ऑफ दबो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी। अलबरूनी बताता है कि भारत के अंदर कोई ये नई चीज नहीं है कि कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम जो है भारत के अंदर है, ये सिस्टम है पर्शिया के अंदर भी देखने को मिलता है। पर्शिया के अंदर भी हमें नाइट्स, प्रीस्ट और साइंटिस्ट वगैरह, पीजेंट, इनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इबन बतूता जो असर्शन है वो कह रहा है कि इबन बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। आंसर भी खुद नहीं दे दिया, रीजन भी बता रहा है खुद ही असर्शन में ही। कह रहा है कि इबन बतूता जो है इंडियन एग्रीकल्चर को वेरी प्रोडक्टिव बताते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सोइल है वो फर्टाइल है, ये तो आज भी है, तो असर्शन तो सही है। रीजन दे रहा है कि विच अलाउ फार्मर्स टू कल्टीवेट टू क्रॉप्स अ ईयर। बिल्कुल सही है, फर्टिलिटी ऑफ सोइल हाई है तभी तो हम टू क्रॉप्स पर ईयर उगा पा रहे हैं, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।